अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में कोई खास हमारे घर के मेंबर्स आपको दिखाई नहीं देंगे। अमर अपने दोस्तों के साथ इफ्तारी करने के लिए निकल रहा है, कुमैल भाई भी तैयारी कर रहे हैं बाहर जाने की, बस मैं, अशर, आमरा बाजी, पप्पा और मम्मा हम ही लोग होंगे आज के व्लॉग में, क्योंकि अब ये लोग पता नहीं कब वापस आएंगे। भाभी और अजलान तो अभी तक है नहीं, भाभी गई नहीं अपनी अम्मी के घर पर, तो शायद आज वो वापस आ जाए रात तक। अगर आ गई तो आपको दिखाऊंगी। तो यहीं से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। मैं पूरे सर से पाँव तक सब चेंज कर लिया है, तो ये ख्याल तो मैं, नेक ख्याल कैसा आया? तारी पर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? शर्म तो आनी रही कि बहन है घर में अकेले, तुम सी व्यू पर जाके इफ्तार करोगे? ऐसे होता है। चलो अपना शर्ट तुमने कैसे बदली आखिर बता दो। मैंने नहीं बदली, तो कुर्ता ही पहन के जाऊंगा ना, अफतारी में जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन घर आके वापस वही पहन लोगे? वही पहनूंगा, देखना नेक्स्ट व्लॉग में आपको वही शर्ट नजर आएगी, वो ऑस्कर में जाएगी। क्या बना रही है अभी, कौन सा पकौड़े बन रहे हैं आज? अच्छा, दिखाए बनाए हुए? बनाए हुए नहीं, अभी तो बता ही रही हूँ, अभी एक मैंने बनाकर चेक किया था। अच्छा, क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है। कैसे काटा हुआ? बीच में ना बीज हटाए होंगे अम्मी ने। अच्छा, ये फ्राई हो रहा है। आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों ने कभी ट्राई किए हैं? जैसे हमने कभी अंडे के पकौड़े ट्राई नहीं किए। अच्छा, लोग बॉईल करके उसको कोट करके बनाते हैं, हम लोगों ने कभी वो ट्राई नहीं किया। हम लोगों के सब्जियों के तो बहुत सारे बनते, पालक के, आलू के, प्याज और पालक के, मिर्चों के, टमाटर के और बैंगन के, मतलब जो सब्जी। अरवी भी हमने फ्राई करी है, ट्राई किया है, लेकिन अंडे का मुझे पता नहीं होता, सुनकर ये अच्छा लगता है, कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। चलें कभी हम भी ट्राई करेंगे कभी। दाल की कचौरी बना रही हूँ, उसके लिए आनम को बोला है कि वो गूंदा मैदा, क्योंकि मुझसे सही से गूंदा नहीं जाता, मैं बनाने वाली चीज़ सही। अल्लाह का शुक्र है, अपने मुंह से बोल दिया उन्होंने, इनको आटा गूंदा ढंग से नहीं आता। ये रोटी बहुत अच्छी बनाती है, आटा गूंदा। हाँ बस सही है, तो उसके लिए आनम हेल्प कर रही है। इसमें जायका, नमक और पानी। हाँ बस वो चिपक चिपक से मुझे थोड़ी उलझन होती है, इसलिए मैं उससे सही गुनता नहीं है। बस सब जब बन जाएगा तब दिखाएंगे कैसी बनी कचौड़ी। जो है निकलने की तैयारी कर लिया, अब आप भी जा रहे हैं? लो कड़ियाँ वापस क्यों रख रही हैं सब कुछ? क्योंकि सब जाया हो गया। क्यों? फ्लॉप हो गया मेरा, मुझसे कुछ खराब हुआ था, ऐसी पूरियां बन गई। क्यों ये? लेकिन सब कुछ तो वीडियो जो देखी थी उसके अकॉर्डिंग ही किया है। पता नहीं कुछ जायफासी की थी उन्होंने वीडियो में, कोई अपना एक जल्दी बताएं, जल्दी बताएं जिस चैनल से आप तुम बताई। फूड फ्यूजन से ही देखकर बनाती हूं इतना खाने में, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने कुछ बस किए या कुछ है, उन्होंने कुछ बताया नहीं, जिसकी वजह से मेरी कचौरी कचौरी की तरह कम और पूरी की तरह ज्यादा बनी है। मेरी सारी इफ्तारी जो है वो रेडी हो गई है। ये आमरा बाजी ने कचौरी बनाई है और इसके अंदर दाल भी भरी है, खुल भी गई है। खैर वो सारी रेसिपी वालों की गलती थी, ऐसा ही आमरा बाजी कह रही। भी वैसा हो गया कचौरी जैसा। कचौरी जैसा हो गया। तो चले हम खाकर आपको बताएंगे कैसी बनी है, टेस्ट में कैसी है। चलो शक्ल पे नहीं जाते। टेस्ट में अच्छी होंगी। हाँ पापा डेफिनेट अच्छी होंगी। चलो भाई पापा ने बोल दिया डेफिनेट अच्छी होंगी, और यहाँ अमराबाजी के चेहरे पे सुनते ही हंसी आ गई सुनते ही। पापा अमराबाजी की कचौरी खा रहे हैं, अब पता नहीं कैसा होगा टेस्ट। हर आइटम से बेहतर है। अच्छा, बाकी आइटम भी मैंने बनाए पापा, क्या हो गया, मेरी बेइज्जती है। आलू मम्मी ने बनाए। पापा दोबारा प्लीज, दोबारा वन मोर टाइम। ये ओहो बस टेबल में समा जाएंगे आज अम्मी। क्या बोला था पापा, दोबारा बोल दें। मुझे तो कर आलू तो है जो कचौरी को देर टेस्ट की बना रहे हैं। अच्छा कचौरी मतलब बस कचौरी मतलब ऐसे ही है, काबिले खा। बताएं भाई कैसा है। अपने आलू की तारीफ छोड़कर बताइएगा। अब हंस रही है, लोग मजाक बनाएंगे, देखो बोला नहीं कचौरी इतनी हल्के बोला है लोगों का। कचौरी बहुत मजे की है, आलू
आलू के बगैर आलू के बगैर भी अच्छी जैसी होती है वैसी है कचौरी जैसे बता रही हूँ। अच्छा मैं खाकर सही फैसला पर कर सकती हूँ उसका तो। हर चीज जो गलत होगी वो अनुमाजी की गलती है। दुनिया का कहीं दरक वरक गिर रहे हैं ना तो वो भी मेरी गलती बना देंगे अगर मैं बैठ कर। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको आज का जो व्लॉग है आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा, आम्रबाजी के चैनल पे भी और मेरे चैनल पे भी। तो वैसे कचौरियाँ जो थी वो सही बनी थी, अच्छी बनी थी, तो आप भी वो रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। फूड फ्यूजन से रेसिपी आम्रबाजी ने दी। बस कुछ नहीं बोलेंगे आज। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।